हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह की बैग बनाएंगे। ये बैग हमने फोम से बनाई है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बैग कैसे बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पार्ट इस तरह का लिया है। इसमें देखिए, हमने बीच में फोम लगाया है और साइड में कपड़ा और नीचे से अस्तर लगाया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई हमने ली है 26 इंच और चौड़ाई में यहाँ पर हमने लिया है 14.5 इंच। और दो पार्ट हमें इस तरह के लेने हैं, इसकी भी चौड़ाई लंबाई बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई में देखिए लिया है 9 इंच। तो इस तरह के हमें दो पार्ट लेने हैं और एक पार्ट हमें इस तरह का लेना है। इसकी लंबाई हमने ली है 14.5 इंच और चौड़ाई में लिया है 8 इंच। तो एक पार्ट हमें इस तरह का लेना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने दो तनी ली हैं। ये तनी हमने कपड़े से ही बनाई हैं, इसके अंदर मैंने फोम डाला था। और यहाँ पर मैंने एक जिप और कुंडा लिया है यहाँ पर बीच में लगाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में कटिंग करेंगे। सीधी कटिंग करना है। तो देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। जो जिप है वो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर तनी को लगाएंगे। निशान लगा के हमें तनी लगानी है। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम इस तनी को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हमें 3.5 इंच तक नीचे बढ़ाकर तनी को रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से पिन को लगा लेते हैं। दोनों तरफ से हमें 3.5 इंच पर तनी को सिल लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा के पिन को लगा लेंगे। तो हमने देखिए पिन को लगा लिया है। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई हमें मजबूती से लगानी है, नहीं तो तनी हमारी उधर सकती है। देखिए, दोनों तनी हमारी एक बराबर सिली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो पार्ट लिए थे इसकी देखिए चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई 9 इंच है। तो इस वाले पार्ट की सीधी साइड हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर इस तरह से नाप के सिलाई को लगाएंगे। तीनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें बाहर की तरफ नहीं निकालना है, यहाँ पर इस तरह से घुमा के ही सिलाई को लगा लेना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पार्ट को साइड में सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी सिल लेते हैं। इसकी भी हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रख के ही सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरे पार्ट को भी सिल लिया है और अंदर की तरफ देखिए हमारी बैग की इतनी गहराई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने पार्ट सबसे पहले कटिंग किया था तो उसमें इस तरह से पट्टी को सिल लेते हैं। पट्टी को हमें उल्टी तरफ से सिल लेना है, फिर हम इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी जिप सिली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी सिला है। और जो हमारी पट्टी है वो दूसरे कलर से ही आपको सिल लेना है, इससे आपकी बैग और भी सुंदर लगेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जिप को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में जिप को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी सिल लेना है। तो मैंने देखिए दूसरे पार्ट को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नाप के सिलाई को लगाना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम सिलाई को लगाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा सबसे ऊपर की साइड रहेगा। और जो हमारी तनिया है उसको हमें अंदर की तरफ ही रख के इस वाले पार्ट को सिल लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में भी सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से साइडों में भी सिलाई को लगा लेंगे। और जो हमारी जिप है वहाँ पर कम से कम 2-3 बार सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, बैग को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखी बैग को सीधा कर लिया है। देखिए इसमें इतना हमारा अंदर की तरफ शेप आया है, इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर बैग में कपड़े रख लिए हैं, इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हैं। तो इस तरह से हमारा बैग सिल का तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह का बैग बना सकती हैं। इसके अंदर मैंने फोम डाला है और ये बैग बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।